हेलो एवरीवन, शेराक स्किन केयर यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एलोवेरा जेल हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। एलोवेरा के अगर गुण मैं आपके साथ शेयर करने लगूंगी तो शायद इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एलोवेरा जेल के 5 ऐसे हैक शेयर करने वाली हूँ, ऐसे 5 ब्यूटी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। इससे आपकी स्किन नेचुरल ग्लो करेगी। अगर आपके फेस पे किसी भी तरह के स्पॉट्स हैं ये उसको भी रिड्यूस करेगी, आपके फेस की मॉइस्चर को लॉक करेगी, आपके फेस का टेक्सचर ठीक करेगी। आपके बालों में अगर शाइन नहीं है, रफ हो रहे हैं या आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, गंजापन हो रहा है, ये उसको भी ठीक करेगी। फर्स्ट स्टेप में मैंने एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा जेल को धो के अच्छे से उसकी जेल को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ये जेल बहुत अच्छी होती है, ये हमारी फेस के मॉइस्चर को लॉक करती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको एज इट इज़ ही अपने फेस पे अप्लाई करें, आधे घंटे बाद आपके अपने फेस को क्लीन कर लें। ये आपके फेस के टेक्सचर को ठीक करेगी, आपकी ड्राइनेस को ठीक करेगी, मॉइस्चर को लॉक करेगी और आपके फेस पर नेचुरल ग्लो लाएगी। इसकी रेगुलर यूजेस से आप अपनी स्किन पे नेचुरल निखार दे सकते हैं। स्टेप टू में मैंने बनाया है एलोवेरा टोनर। टोनर बनाने के लिए मैंने एक स्प्रे बोतल को हाफ फिल्टर वाटर से भर लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी एलोवेरा जेल। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फिल्टर वाटर और एलोवेरा जेल की क्वान्टिटी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 50-50 आपको दोनों चीज़ों को यूज़ करना है। टोनर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे पोर्स को श्रिंक करता है। फेस को धोने के बाद टोनर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। टोनर हमारे फेस पे पोर्स को बंद कर देता है, जिससे बाहर की डस्ट पोल्यूशन हमारे फेस पे जमा नहीं होती, जिससे ब्लैकहेड और पिंपल्स होने की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप एलोवेरा टोनर यूज़ करती हैं तो आपको मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बिल्कुल केमिकल फ्री टोनर बनाइए और ये आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इस टोनर को दिन में 3 से 4 बार अपने फेस पे अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जल्दी से प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे ही आपको मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थर्ड स्टेप ऑयली फेस वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। इसके लिए मैंने एक बॉल में लिया है बेसन, थोड़ा सा एलोवेरा जेल और थोड़ी सी हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स कर ले, एक बहुत स्मूथ पेस्ट बन जाएगी। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल होता है। जैसे कि गर्मियों में हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्सेस में ऑयल निकलता है, हमारे ऑयल की वजह से हमारे फेस पे चिपचिपाहट रहती है, पिंपल्स और ब्लैकहेड की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। ये फेस वॉश, इसको आप एज ए फेस वॉश में यूज़ कर सकते हैं। ये आपके फेस के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल कर लेगा, ख़त्म कर देगा, जिससे आपके पिंपल्स और ब्लैकहेड होने की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। और हल्दी वैसे एंटीसेप्टिक होती है, ये फंगल इन्फेक्शन पैदा करने वाले जर्म्स को ख़त्म करती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो इसको, इस पेस्ट को अपने फेस पे रेगुलर यूज़ करें। ऑयल तो कंट्रोल होगा ही, आपकी फेस की डलनेस ख़त्म होगी, आपके फेस भी नेचुरल ग्लो आएगा और कलर भी फेयर होगा। 1 मिनट तक अप्लाई करने के बाद फेस को वॉश कर लें। स्टेप 4 उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं या पिंपल्स के मार्क्स रह जाते हैं। उसके लिए मैंने इस बॉल में ली है एलोवेरा जेल, थोड़ा सा नीम का पाउडर, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, इसकी बहुत अच्छी जेल बन जाएगी। इस जेल को आप हफ्ते भर तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है, रात को सोने से पहले एक ईयरबड की हेल्प से जहाँ जहाँ पे भी आपके पिंपल्स हैं वहाँ वहाँ पे इस जेल को अप्लाई कीजिए और सो जाइए और सुबह उठ के फेस वॉश कर लीजिए। आपकी पिम्पल की प्रॉब्लम 1 वीक में ख़त्म हो जाएगी। स्टेप 5 में मैंने एलोवेरा जेल में 3 से 4 चम्मच प्याज का रस ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। एलोवेरा जेल और प्याज का रस बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या आपको गंजापन हो रहा है या आपके बाल
पे शाइन नहीं है, डल हो रहे हैं, तो इसको आप अपने बालों पे रूट से लेके नीचे लेंथ तक अच्छे से अप्लाई कीजिए, क्योंकि एलोवेरा जेल में 100 से भी ज़्यादा ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी स्किन की बेजान हुई सेल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। और ओनियन हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, गंजेपन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। एक घंटा रखने के बाद अपने बालों को वॉश कर, आपके बालों पे बहुत अच्छी शाइन नज़र आएगी, आपकी डलनेस जो है बालों की है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी गंजेपन की प्रॉब्लम भी विद इन मंथ में इसका सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे एलोवेरा के 5 ऐसे गुण, अमेजिंग गुण जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से ही आप मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग रेमेडीज़ एलोवेरा जेल के ऊपर आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।